ओम विष्णवे नमः मधुसूदनं देविकर्मणं नमः वामनं नमः श्रीधरं नमः ऋषिकेशं नमः पद्मनाभं नमः दामोदरं नमः शंकरं नमः वासुदेवं नमः प्रद्युम्नं नमः ओम अनिरुद्धं नमः पुरुषोत्तमं नमः दक्षिणं नमः नारसिंहाय नमः मच्छुदाय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरे नमः ओम श्री कृष्णाय नमः प्रणवस्य परब्रह्म शुभमादेवता देवी गाय सन्दा सप्ताहं व्यार्थनां विश्वामित्रं जपदग्नि भरद्वाज गौतमाद वसिष्ठ कश्यप ऋषयः अग्निवायवादित्य बृहस्पति वरुणेन्द्र विश्वे देवादेवता आगाय कृष्ण कनिष्ठ बृहद मुनि दृष्टं जगत सन्दांसि गायत्र्या गातनो विश्वामित्र ऋषि सविता देवता यः सन्दाः प्राणान् विनियोगः सोमो हिनोति मर्त्यम् सखा वीर नरिष्यति यमिन्द्रो ब्रह्मणस्पतिः सुरुवातीला खूप विरोध झाला समाजाचा. आम्ही जात होतो करत होतो आणि सुरुवातीला समाजाचा विरोध झाला महिला पौरोहित्याला. मग त्यावेळेस तुम्ही कसं समाजाला कसं तोंड दिलं? आमच्यात आम्ही आधी कार्यक्रम करायला लागलो. नवरात्रात करायचो, लयीत पंचीची पूजा माझ्याकडे असायची, गणपतीत आवर्तनं करायला लागलो. आणि ते असं कुणाच्या ओळखीत मग क्लासला येणाऱ्या त्यांच्या नात्यात कुठे जा असं करत करत लोकांना ते आवडायला लागलं. पंढरपूरमध्ये आता मूर्तीपूजेसाठी जे महिला पुरोहित यांची निवड झाली त्याबद्दल तुमचं मत काय? हरकत काहीच नाही, पण तिथे राहणारी बाई सडी पाहिजे. मागे संसाराचा मागे काही व्याप असता कामाने मला एकीचा फोन आला होता. त्या बाईची माझी प्रत्यक्ष ओळख नाही, बघितलेली नाही, काही नाही. तुम्हाला कोणी सांगितलं तर म्हणजे अमक्यानी सांगितलं असं. तर म्हणलं तुम्ही याल का, तुमचं नाव मी खूप ऐकलं आहे. म्हटलं मी एकटं सडी नाही आहे, माझं वय आता 80 आहे. यजमान येऊन तिथे राहायचं तरी त्यांचं 89 आहे. चटकन तब्येत बिघडली तर आम्ही पटकन येणंही शक्य नाही. याला म्हणजे लहान वयाची आणि सडी हवी. समाजामध्ये स्त्री पौरोहित्याला पूर्णपणे मान्यता आहे का? काय मत आहे तुमचं याच्यावर? पूर्णपणे मान्यता द्यायला हरकत नाही, पण आम्ही काय अशुभ ज्ञान प्रबोधिनीच्या हात शिकवतात. श्राद्ध पक्ष हे काय आम्ही शिकलेही नाही आणि ते शक्य नाही, कारण इतकी आमची बायकांची भावना ओंकारेश्वरावर जाऊन ती शेवटची जी काय क्रिया असते ते करतायत. ज्ञान प्रबोधिनीच्या बायका गेलेल्या आहेत एक दोघे, पण आमच्या आम्ही जरा मी तर मुळात भित्री आहे. एकटी राहत सुद्धा आणि कामवाल्या बाईला झोपायला बोलवते एवढी. मग तिथे जाऊन कोण राहते अपराते करणार? म्हणजे मी आम्ही शिकलोय नाही. उद्यांच्या बायका ज्या आहेत त्या शिकल्या नाही. ज्या तिकडल्या काही बायका ज्ञान प्रबोधिनी जाऊन शिकल्या शिवाय वेगळं. संस्कृत संस्कृति संशोधिका जो हमारा विभाग है, इस विभाग में 17 साल से मैं काम कर रही हूँ. 72 में शुरुआत हुई थी. पहले वो धर्म निर्णय मंडल करके मंडल था जो महाबलेश्वर के बाजू में वाई नामक गांव है, वहाँ धर्म संस्कारों के बारे में कुछ काम चलता था. कुछ सालों के बाद उन लोगों ने वो जो धर्म निर्णय मंडल है जो उसका जो काम था वो ज्ञान प्रबोधिनी से जोड़ दिया. उस वक्त से प्रबोधिनी ने यह काम धर्म संस्थापना का काम यानी जो पौरोहित्य का काम है वो प्रबोधिनी ने शुरू किया. पहले तो मैं हूँ संस्कृत भाषा की विद्यार्थिनी और एमए के लिए मैं वेद पढ़ ही रही थी. जो मैं टेक्सचुअली वहाँ पढ़ रही थी वो मुझे प्रैक्टिकली यहाँ पे सिखाने के लिए संधि यहाँ पे मिल गई. और उस समय ऐसा था कि पुरुष सदस्य ज़्यादातर समाज में जाके पौरोहित्य करते थे. मेरे पिताजी भी करते थे, वो प्रवचनकार थे और उनको ये सब विषय में रुचि थी. और मेरे पिताजी को भी लगता था कि मैं एक लड़की हूँ इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई क्षेत्र मेरे लिए वर्ज्य है. तो जिन जिन क्षेत्रों में पुरुष है वहाँ पे तुम जाओ और तुम कोशिश करो कि वो भी क्षेत्र तुम पादाक्रांत कर लो, उसमें भी कुछ अच्छा काम कर लो. और मेरे गुरुजन जो है प्रबोधिनी के यशवंतराव जी लेली और विश्वनाथ जी गुर्जर, ये दोनों से मैंने सीखा और मैंने यहाँ पे सिखाना शुरू कर दिया. आपने महिलाओं को देखा है ये पुरोहित का काम करते हैं? पहले तो नहीं करती थी, अभी कर रही.
सब महिला कर रही है। आपको क्या लगता है ये ठीक है? अभी तो आए भगवान के शरीर उल्टी पलटी दिन आ गए क्या, नहीं तो पहले भगवान के मंदिर में श्री कभी जाती नहीं थी। शास्त्रों में या वेदों में कुछ लिखा है कि उनको वो हमें कुछ मालूम नहीं है। हम तो आपका क्या मत है कि स्त्रियों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, हम नहीं कुछ बोल सकते। महिला पुजारी नहीं, महिला पुजारी नहीं। वेदों में तो स्त्रियां पौरोहित्य करने का संदर्भ नहीं है, लेकिन उनका वेदाध्ययन करते थे उसका रेफरेंस भी है। लेकिन आज तो क्या हो गया है, उनका उपनयन संस्कार यानी कि मौंजी बंधन वो ही नहीं होता है, इसलिए आज उनका पौरोहित्य करने का विरोध है। क्योंकि पौरोहित्य करने के लिए वेदाध्ययन करना पड़ता है, और वेदाध्ययन करने के लिए एलिजिबिलिटी करके ये उपनयन संस्कार वो तो करना पड़ेगा। आज उपनयन संस्कार ही नहीं हो रहा है, इसलिए स्त्रियों का वेदाध्ययन नहीं होगा, और वेदाध्ययन नहीं होगा करके पौरोहित्य भी नहीं होगा। आज जो हम गायत्री संस्कार बोलते हैं वो खाली पुरुषों के लिए नहीं है। आज लोग जो मानते हैं ना कि बच्चे लोग काम गायत्री संस्कार, जिसको उपनयन मराठी में मुंज बोलते हैं, गायत्री संस्कार बोलते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार बोलते हैं, उपनयन बोलते हैं, टू टेक हिम नियर गुरु दैट इज उपनयन। गायत्री की दीक्षा देना मंत्र के इट इज़ कॉल्ड गायत्री। और मुंज नाम की एक रस्सी बांधते हैं उसके कमर में तृण की, सो इट इज़ कॉल्ड मुंज, मौंजी बंधन। ये संस्कार पुराण काल में केवल पुत्रों के नहीं कन्याकाओं भी दिया जाता था। हरित स्मृति में ऐसा कहा गया है कि पुरा कल्पे तो नारी नाम मौंजी बंधन मिश्यते, इट वॉज इन लॉन्ग बैक। बट ऐसा मनुस्मृति में भी कहा है, मनुस्मृति कहती है कि हरित स्मृति ऐसा कहती है, लेकिन उसका ठोस पुरावा कहीं पे नहीं है। उपनयन होता था या नहीं इसका ठोस पुरावा नहीं है। यह बुक है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं, उनकी ये किताब है 21वीं सदी नारी सदी। ये जो है ये गायत्री परिवार के अधिष्ठाता है, उनका भी बहुत बड़ा काम है समाज में। तो ये जो एक संदर्भ यहाँ पे है कि यज्ञोपवीत मार्गेण छिन्ना तेन तपस्विनी सा पृथिव्यां पृथुश्रोणी पपात प्रिय दर्शना, रावण ने छलपूर्वक सीता का यज्ञोपवीत तोड़ डाला। और ये जो है कि हनुमान जब सीता जी को ढूंढते ढूंढते अशोकवन में गए थे लंका में, तो शाम के समय वो अशोक वाटिका में दिखाई नहीं थी, तो हनुमान जी सोच रहे हैं कि अरे ये यहाँ पे नहीं है और शाम का समय है, तो शायद ये संध्या करने के लिए नदी के किनारे गई होंगी। और हमारी परंपरा ऐसे कहती है कि जिसका उपनयन संस्कार हुआ है वही व्यक्ति को संध्या करने का अधिकार प्राप्त है। और रामायण में भी हमें पता चलता है कि सीता जी का भी उपनयन संस्कार हुआ था। स्त्रियों को पौरोहित्य करना चाहिए क्या? वैसे तो करना चाहिए, हाँ, अधिकार तो सबको दिया है। अभी तक तो जिन लोगों ने ये किया था कि लेडीज़ यानी लेडीज़ को पौरोहित्य तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे नियम थे, पर अभी तो सब बदल हो गया है। हम ये हाँ, जरूर करना चाहिए। तो हम भी पूजा वगैरह हम भी सीखे हैं। अच्छा, गणपति स्थापना की पूजा रोज की जो पूजा होती है वो हम भी सीखे हैं, महिलाओं ने जरूर करना चाहिए। ये बात अभी से नहीं, पहले से ही आ रही है बहुत, यानी सती सावित्री थी वहाँ से ये आई है कि ऐसा कोई नहीं। लेकिन वहाँ के जमाने का और अभी के जमाने का बहुत फर्क है ना, लेकिन पौरोहित्य ये औरत लोग करते ही है। शुचि आणि असुचि यामध्ये काय फरक आहे?
शुची म्हणजे साधारण पवित्र अगदी शुद्ध असं आणि शुची म्हणजे अशौच म्हणतात तर साधारण बायकांच्या एम सीचे महिन्याचे 3 दिवस किंवा डिलिव्हरी झाली तर ते 10 दिवस किंवा एखादी व्यक्ती गेली तर त्या घरातले ते 10 दिवस हे अशौच अशुची झालं असं. ते पौरोहित्यामध्ये ह्याचं कसं काय तुम्ही? नाही ते यायचंच नाही, ते आधीच सांगायचं की 3 दिवस यायचं नाही म्हणून. आणि त्यातून त्यावेळी आमच्या बायका कमी होत्या तयार, असं 11-11 तयार होत नव्हत्या. मग त्या आदल्या दिवशी सांगायचं, तिसऱ्या दिवशी रात्री उपासाचं खायचं, चौथ्या दिवशी 2 आंघोळी करायच्या आणि मग यायचं तुम्ही असं. इतके ते तसे कडक होते शिस्त आणि नियम असं पालन करणारे. स्त्री का मासिक धर्म होता है तो उस समय उसे अशुद्ध और इम्प्योर कहा जाता है, तो आप हमें बताएंगे इम्प्योरिटी और ये मेंस्ट्रुएशन कब जुड़ गए और ये धारणा कैसे बनी? ये तो जागतिक तौर पर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो सभी जगह में था पहले, लेकिन प्रॉबेबली आफ्टर वर्ल्ड वॉर द सिचुएशन इज चेंज, बट बिफोर इन ईच रिलीजन मेंस्ट्रुएशन वॉज सेंश्योर्ड. सो सभी जगह उसकी निंदा ही की गई है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जो ऊजिंग व ब्लड होता है, जो रक्त आता है, उससे हिंसा का संबंध जुड़ गया, इसलिए उसको अशुभ माना गया है. और ज़्यादातौर पर पितृसत्ताक पद्धति में तो ऐसा देखा जाता है कि मेंस्ट्रुएशन अशुद्ध माना गया है. मातृसत्ताक पद्धति जहाँ भी होती है तो उसमें उसको रिसीव करते हैं अच्छी तरह से. बाद में कहीं जगहों पे उसको रिसीव किया है अच्छी तरह से, कहीं जगहों में उसकी निंदा की गई है, ऐसा दिखाई देता है. लेकिन ज्ञान प्रबोधिनी में हम ऐसा कहते हैं कि जो मासिक धर्म है वो निसर्ग की ही देन है हर एक महिला को, क्योंकि क्या होता है कि संतान उत्पत्ति के लिए हर महिला को ये अधिकार निसर्ग ने खुद ही दिया है. तो जो नेचुरली उसे मिला है उससे वो अशुद्ध कैसे कहे जा सकती है, जिससे एक नया जन्म होता है. तो इसलिए हम ज्ञान प्रबोधिनी में ऐसा सोचते हैं कि नहीं, ये अशुद्ध अपवित्र ऐसा नहीं है. और हम हर एक स्त्री को ये अधिकार देते हैं कि उस 4 दिन के काल में भी अगर उसे कोई पूजा वगैरह करनी है, बस उसका मन प्रसन्न होना चाहिए और शारीरिक दृष्टि से उसे कंफर्टेबल लगना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ. यजुर्वेद में तैतिरीय स्पूल में तैतिरीय शाखा की जो तैतिरीय संहिता है वहाँ ऐसी एक आख्यायिका उसके बारे में उपलब्ध है कि इंद्र ने ब्रह्म हत्या की और ब्रह्म हत्या का पातक इंद्र को लगा और वो ऐसा पूरे जग में फिरने लगा. मैंने गलती से ब्रह्म हत्या की, अभी क्या करने का, ये मेरा पातक क्या करूँ. तो स्त्रियों ने उसका पातक अपने शरीर पे ले लिया और उसके बाद हर महीने में उनका मासिक धर्म शुरू हो गया. इसीलिए वेद के आधार से, इस आख्यायिका के आधार से जो ब्रह्म हत्या का पातक है वो पातक यानी कि स्त्रियों का मासिक धर्म. और धर्मशास्त्र क्या कहता है कि 3 दिन में उन्होंने कुछ भी करना नहीं, यानी कि स्वयपाठ नहीं करना, कुछ काम नहीं करना, क्योंकि उनको जो कुछ ये ब्लीडिंग होता है यानी कि बहुत बैक्टीरिया वो आ जाते हैं, इसीलिए उनको निषिद्ध कहा गया है. मेंस्ट्रुएशन के 3 दिन होते हैं उससे जो घृणा होती है लोगों के मन में, ऐसी नहीं करनी चाहिए ऐसा भी बोला गया है. अच्छा, तो ऐतरेय ब्राह्मण में ऐसा कहा गया है कि ये अग्नि का रूप है, अग्नेस्तद रूपम तस्मात् न जुगुप्सितव्यम, वन शुड नॉट बी फील अशेम्ड ऑफ इट, घृणा नहीं चाहिए उसके लिए. सो वेद का भी आधार है, जब हम उसकी निंदा करते हैं तभी भी वेद का आधार है, जब निंदा नहीं करते उसको भी वेद का आधार है. जो सो स्त्री पौरोहित्य के लिए आज मीन्स वर्तमान काल में तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, इसके लिए भी सपोर्टिंग स्टेटमेंट मिलता है वेद से ही. जो वेद मंत्र होते हैं ना उसमें बहुत शक्ति रहती है, उसके उच्चारण हमने अगर किया तो जो सेवा जो गर्भ रहता है उस पर असर पड़ता है. इसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है वो, कि इसके लिए वो हम वेद का उच्चारण नहीं करते, स्त्रियाँ अधिकार नहीं है.
वेद मंत्रों में एक्सेंट्स रहता है ना, उदात्त अनुदात्त स्वरित करके, वो ठीक से उच्चारण करने से शरीर का अलग अलग जगह पे आघात हो जाता है, हा? और स्त्रियों के लिए उसके लिए वो मना कर दिए हैं, उसका आघात होने से उनका गर्भकोश का ऊपर दुष्परिणाम हो जाएगा करके। क्योंकि वेद का उच्चारण करते समय बहुत बार संथा दी जाती है, संथा यानी बार बार रिपीटेशन होता है, यानी यदि एक मंत्र हो जैसे अग्निमय पुरोहितम, उसका बार बार रिपीटेशन करके करके वो कंठस्थ किया जाता है, तो ऐसा पहले से ही माना जाता है या अभी भी आप देख सकते हो पुरुष और स्त्री में कोई तो कम ज़्यादा है, यानी पढ़ने लिखने से समानता होती है ऐसे नहीं, तो शारीरिक कहीं ना कहीं दुर्बलता थोड़ी बहुत स्त्री और पुरुष में है, तो उसका असर स्त्रियों पे अधिक हो सकता है उस इस वजह से शायद ऐसा उच्चारण करने के लिए मना किया। सांगली के एक गायनिक, उन्होंने वो रिसर्च करके प्रूव कर चुके हैं, और इसलिए उनका कहना ऐसा है कि 12 साल से पहले लेडीज वेदाध्ययन करने से, मंत्र उच्चारण करने से चलेगा, और उसके बाद 45 या 50 एज के बाद उन्होंने वेद मंत्र बोलने से चलेगा, बीच का जो पीरियड रहता है उस पर उनका शरीर पे मंत्रोच्चारण से दुष्परिणाम हो जाएगा, इसलिए उनके लिए मना कर चुके। मैं सीखी कि 7 में ज्वाइन किया ये क्लास, 76 में शादी हुई, 6 महीने के बाद में ये हमारी बुआ गई, इसकी बोली कि तू इधर आ जा, हमने नया स्कूल खोला है 77 और 78 में इसका 9 में जन्म है ना। अच्छा। तो उसके जन्म तक मैंने बहुत कुछ सीख लिया। अच्छा। सप्तशती पाठ अम्बा माता का वो आधा हुआ, 5वां अध्याय तक। अच्छा। बाद में ये हुई तो मामा बोले अभी आगे फिर आना। अच्छा। वो चंडी कवच बोलना, ये पेट में थी, अच्छा होगा। अच्छा। नॉर्मल डिलीवरी होगी। अच्छा। ऐसे बोलते थे मेरे मामा थत्ते ने जब ये शंकर सेवा समिति शुरू की थी, तो उस वक्त कोई विरोध था क्या? हाँ, विरोध किया था, वो बोले थे एक ऐसे लेडीज के सिखाएंगे, बमन लोग भी उठे, अब ऐसा नहीं कर सकते। फिर इसने इसमें लिखा है गार्गी में, उसने पहले छोटे बच्चों को सिखाया था, देसाई गुरु जी आया करते थे, वो बच्चे भूल जाएंगे क्या सिखाया, वो रहते थे भी उधर, ऐसे बोलते थे, वो सुबह उठते उनको दूध पिलाते नहलाते सब करते थे, फिर ये भूल जाएंगे। फिर ये साकोरी के जो आते थे उनको साकोरी पे श्रद्धा थी, वो सब कन्याएँ आती थी और सप्तशती चंडिया करती थी, तो वो महिला भी ऐसी होती है, किसी कोई होता है नहीं, फिर उधर शामिल होती, वो जैसे करती है सबके सुहागन भी नहीं होती, वो ऐसे कोई कुंवारी होती है, कोई भी होती है। तो हमारे मैं ऐसा उसके ध्यान में आया कि इसकी प्रेरणा से मैं इधर भी पुणे की महिला को सिखाऊँ क्या। अच्छा। तो वह माता जी बोली होंगी उनकी, इतने में लिखा है। हाँ, तो उससे प्रेरणा से उन्होंने इधर स्कूल किया, तो उसी टाइम में बोलते थे बहुत झगड़ा हुआ ये कैसे सिखाएंगे कैसे करेंगे, फिर उसमें हिम्मत थी उसने किया। ज्ञान प्रबोधिनी में पूरा कोर्स है, वो पूरा सिखाते हैं भक्ति से, तो शंकर सेवा समिति में क्या? शंकर सेवा समिति में पारंपरिक होता है, वास्तु शांत जो हम करते हैं, सब ग्रह मा देते, सत्यनारायण की पूजा वो खाली गोपाल कृष्ण के लगते रहते, हमने हम नवग्रह भी लगते बीच में, हमने पूछा वो खाली सत्यनारायण बताओ भगवान गोपाल है ना छोटा उनके ही करते, हमने हम दिशाओं का रखते हैं नवग्रह रखते हैं, बाद में ऐसे सब मिल के हम पूजा करते। मैंने वो पूछा था आप कैसे करते, शॉर्टकट होता है उनका, वो बोलते किसी को टाइम नहीं है ये नहीं है, लेकिन मामा ने नहीं, मामा ने हमको पूरा सिखाया, हमें 3-4 घंटा लगता है वास्तु शांत होता है तो, वो नहीं ऐसे करते, मैंने देखी नहीं कभी, लेकिन बोलते थे उनके जो पुस्तक है। दुर्भाग्य से अच्छे पुरोहितों की संख्या भी बहुत कमती हो रही है, इसलिए ये जो कमती है वो महिला वर्ग आगे आए और अच्छे पढ़े वो तो ज़्यादा न्याय दे सकेंगे, और वेदों की रक्षा इस युग में महिलाओं के हाथ से होगी, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। जानिए
जातीपातीच्या अभेद्य भिंती भेदत पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिर समितीनं ऐतिहासिक निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केलेली आहे. आजपासून ब्राह्मणेतर आणि महिला पुजारी रुक्मिणी मातेची आणि विठ्ठलाची पूजा करणार आहेत. विशेष म्हणजे रुक्मिणी मातेच्या पूजेसाठी 2 महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. Yeah.